फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? ये देख लीजिए, आप टेबल पे क्या रखा हुआ है। पतौड़े रखे हैं, पराठे रखे हैं, और ये एक कप में चाय है अली के लिए, क्योंकि अली को चाय बहुत पसंद है। और अली की सुबह जो होती है वो बिना चाय के नहीं होती है, तो सुबह में मैंने नाश्ता यही दिया था। और उसके बाद देखिए, बच्चे बस में बैठ गए, बस आ गई थी और चले भी गए। मैं बहुत देर तक बच्चों को बाय बाय करती रही। और ये घर के सामने देखिए तालाब है, तो तालाब में बत्तखें टहलती रहती हैं, सुबह में शोर मचाती रहती हैं। काफ़ी देर तक मैं इनको देखती रही पानी में, कि आज तालाब का थोड़ा वाटर लेवल ज़्यादा था, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें पानी कम हो रहा था, तो पानी इसमें भरा गया था। और बत्तखें बड़ी आराम से टहल रही थी, बहुत शोर करती हैं अगर कोई भी खड़ा हो जाता है यहाँ पर। शोर मचा मचा के कानों में दर्द कर देती हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत लगती हैं। देखिए, गए थे कि बच्चों को रोना आने लगा कि हमें कहीं घूमने जाना है, तो हमने कहा चलिए पास में मॉल है, वहीं चलते हैं। तो ये मॉल आ गए थे। देखिए, यहाँ दिवाली का ऐसा रश था, अभी भी लोग आना जाना शुरू है। देखिए दाया को कैसे आराम से चल देती है इस पर, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा इस पर चल नहीं पाते हैं, डरते हैं, लेकिन बच्चे आजकल के बड़े एक्टिव हैं। देखिए मॉल, छोटा सा मॉल है, छोटा सा शहर है, लेकिन अच्छे लोग, भीड़ भाड़ हो जाती है यहाँ पर। और थोड़ा मॉल बनाए भी इसी पैटर्न पे जाते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, स्पेशली बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। फन जोन है, स्वीट्स हैं। तो देखिए, हिदायत को तो अपने खाने पीने की चीज़ें दिखाई दे गई। तो बुआ क्या बन रहा है इसमें? है बुआ पतौड़ा बन रहा है? बुआ को आते बनाने पतौड़े हैं? बुआ आपको आते बनाने? तो नहीं आते। अच्छा, तो कौन बनाता है बुआ? तो किस चीज़ के बनते हैं बुआ ये? हैं बुआ किस चीज़ के बनते हैं पतौड़े? बतुए के पतौड़े बनते हैं।